अपने वक्तव्य में कहे धरने के 11 दिन कांग्रेस नेता स्मृति शर्मा ने धरना स्थल पर पहुंचकर गौसेवकों का समर्थन किया और गौसेवकों के मुद्दे को मुख्यमंत्री जी से वार्ता कर शीघ्र हल करवाने की बात कही। धरना स्थल पर करणी सेना ने जिला स्तर अध्यक्ष हिम्मत सिंह हाड़ा व वार्ड पार्षद मनीष सिसोदिया, चंद्र प्रकाश जैन, सौरभ अग्रवाल, मुस्लिम समुदाय से वार्ड पार्षद मोहिद्दीन अंसारी, हिंदू युवा वाहिनी जिला अध्यक्ष गौतम शर्मा, वीरेंद्र सिंह हाड़ा, अधिवक्ता सुरेश कुमार मैगवंशी, अधिवक्ता ओम प्रकाश मेघवाल, भगवान सिंह हरसाना, आशुतोष संगी, पवन शर्मा, चतुर्भुज महावर, नाथूलाल सैनी आदि ने गौ सेवकों को अपना समर्थन देकर उनके हौसलों को और बुलंद किया। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास, व चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भूमि जो काबिज किए, जो वहाँ से अतिक्रमण हटवाया गया है, वहाँ पर जल्दी से चार दीवारी का निर्माण करके, खेलों का निर्माण करके, जो ही गोवंश शहर में इधर उधर घूम रहे रोडों पे बैठे हुए उनको वहाँ स्थापित किया जाए। रोज प्रतिदिन फ्रोमाबाड़ में रात के समय लगभग 10 से 12 बच्चे आदमी उनसे एक्सीडेंट होकर अंधेरे में दिखते नहीं, जान में बैठे रहते हैं, जो वाहन उनका उनसे टकराता है, नीचे गिरते हैं, घायल होकर रोज कोई टाके लगवा रहा है कि इसका एक्सीडेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, इन सबसे बचाया जा सकता है, जनताओं को बचाया जा सकता है। शहर में नंदियों को, गायों को जो इधर उधर बैठी रहती है, कोई किसी को मारता है, कभी किसी ठेले में इधर आता है, कोई दुकानदार लकड़ी से मारता है, कभी कोई क्या करता है, उनसे आप बहुत व्यक्ति आते हैं, उनको जल्दी से जल्दी वहाँ पर गौशाला का, नंदीशाला का निर्माण करके, दीवारों का निर्माण करके इनको वहाँ स्थापित किया जाए, जिससे नगर भी साफ हो और सब सुरक्षित भी हो। आप भी नगर परिषद में जाते हो, 11 दिन धरना चलते हो गया, नगर परिषद का क्या माहौल है, कभी आपने इसके लिए आवाज़ उठाई? नगर परिषद में अभी माहौल का वहाँ कोई पता नहीं चलता, जब तक वहाँ पर वोट बैठक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो कह सकते, वहाँ बात करते चर्चा करते हाथ करेंगे ऐसा आश्वासन देते। आपका नाम और पता? मेरा मनीष सिंह सिसोदिया, वार्ड पार्षद। प्रशासन को, नगर परिषद को आगे आगे जो इनको जमीन दी गई है उसमें काबिज होना चाहिए। आज गायों की बहुत बुरी स्थिति हो रही है, जगह जगह जाते हैं रोड पे कचरा खा रही है गाय, कई दुर्घटनाएं भी हो रही है, छोटे स्कूल के बच्चे मारे जाते हैं, उनके लग जाती है, बड़े भी परेशान है। गायों को आखिरकार जनता कहाँ तक रोटी खिलाए, रोटी से इनका पेट भर नहीं सकता है, लेकिन नगर परिषद जो अपना पैसा भी ले रही है राज्य सरकार से और कोई कार्य भी नहीं कर रही है, ये बिल्कुल सरासर निंदनीय है। इसके लिए हम सभापति जी से निवेदन करते हैं कि या तो शीघ्रता से इस कार्य को निपटा दे, अन्यथा हम उनका कालामुख कर देंगे। देश धर्म का नारा है, देश धर्म का नारा है। परेशान हो चुकी है गौ सेवक, काफी समय से धरना लगा रहे हैं, गाय रोड पे धरना लगा के बैठी है, गौ सेवक यहाँ धरना लगा के बैठे है और अक्सर लोग आराम से ऐसी महेश कर रहे हैं, ये कौन सी व्यवस्था है भाई? जब राज्य सरकार अनुदान दे रही है डीजल पेट्रोल बिजली सब में पैसा काट रही है तो फिर गायों का जगह देने में क्या दिक्कत है? जब आउंडी तो चुकी है, अतिक्रमण हटा चुके हो, तो ऐसे कौन से अधिक्रमी है जिनसे आपको पैसा मिल रहा है, उनको तो क्यों नहीं दे रहे हो? इसको आयुक्त को पाबंद करे और शीघ्रता से गौ सेवकों के साथ जाकर उस जगह को इनको काबिज कराए, गौ माता को अपनी जगह दिलाए। जय हिंद, जय भारत। इस आंदोलन में हर जिला मिले, इसके लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं गोपाल गौ सेवा संस्थान देहरादून द्वारा। काफ़ी टाइम से गौ रक्षार्थ जो आंदोलन चलाया जा रहा है, उसके तहत जिला कलेक्टर मोदी भूमि द्वारा गई 28 बीघा भूमि नंदी नगर परिषद भूमि द्वारा आमंत्रित की जा चुकी है, इस पर नंदीशाला के शीघ्र निर्माण हेतु गोपाल गौ सेवा संस्थान द्वारा आंदोलन भी किया जा रहा है। भारत विकास परिषद मुख्य शाखा मोदी द्वारा गोपाल गौ सेवा संस्थान द्वारा किए जा रहे भूमि आवंटन वाले आंदोलन का पूर्ण समर्थन किया जा रहा है और हम ये भावना पाते हैं कि अति शीघ्र ये जमीन हमें मिले, गोपाल गौ सेवा संस्थान को मिले, ताकि गौ रक्षा की जा सके, भारत संस्कृति की जय।
अगर आपकी मांग नहीं मानी गई और गोपाल संस्थान को आंदोलन करना पड़ा तो आपकी क्या रुपये करेंगे? अगर प्रशासन द्वारा परिषद द्वारा भूमि आवंटित नहीं की गई तो ये आंदोलन और तेजी से किया जाएगा और हम इसमें सफल होके ही रहेंगे। हाँ, आज 11वां दिन है धरने का। गौ सेवक 11 दिन से प्रयास कर रहे हैं कि नंदीशाला का निर्माण होना चाहिए और इस हेतु मैं खुद यहाँ पर अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए इनके प्रति यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और जो नकारा रवैया जो नगर परिषद अपनाए हुए हैं तो मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि अपनी हठधर्मिता छोड़ के जो ये गौशाला की जो उचित मांग है हमारे गौ सेवक भाइयों की उस पर शीघ्र निर्णय लेते हुए और गौशाला के निर्माण में बिना कोई देरी किए हुए अपना गौशाला निर्माण का आदेश जारी करना चाहिए, यही कहना चाहता हूँ। क्योंकि अकेले में तो क्या है कि कई पार्षद आपस में एक दूसरे से चर्चा करते हैं और लगभग सभी पार्षदों की ये सोच है कि नंदी गौशाला जल्दी से जल्दी निर्माण हो रहा है। नाम बताइए। मेरा नाम मोहिनुद्दीन अंसारी, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 38। क्या लगता है आपको कि ये धरना जब तक बोर्ड की मीटिंग नहीं बैठेगी जब तक चलता रहेगा? हो सकता है उससे पहले भी। मतलब क्या है कि हमारे सभापति जी, हमारा बोर्ड, हमारे आयुक्त साहब, जब उन्होंने इतनी मेहनत करके इस जमीन को खाली करवाई है तो हो सकता है कि वो जल्दी इसका निर्माण भी चालू करें। कुछ हमारे को उनसे ये उम्मीद है। कुछ जानकारियां ये भी मिल रही है कि अगर इस जमीन को ज्यादा ढिलाई छोड़ दिया जाएगा तो और भी अतिक्रमी अतिक्रमण कर लेंगे। ऐसा तो कुछ नहीं है साहब, अतिक्रमण तो कैसे होगा जब अतिक्रमण हटा ही दिया क्या? और नंदी गौशाला के लिए उन्होंने इस तरह की सोच बना ली तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से बहुत जल्दी। मतलब आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहिनुद्दीन अंसारी, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 38। नंदी सड़क का निर्माण शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। नंदी सड़क का निर्माण शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। केत धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है। केत धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है। केत धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है। जब तक सूरज चांद रहेगा तो माता का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तो माता का नाम रहेगा। धरने पर बैठे हुए नगर परिषद की तरफ से कोई ना तो मध्यस्थता हुई है ना कोई आश्वासन मिला है, आपने समर्थन दिया है, क्या कहना है आपका बताओ? मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हम जितने बूंदी में रहने वाले हैं, हम खुद देख रहे हैं बूंदी की दशा क्या है। कोई ऐसी सड़क आपको बूंदी की नहीं मिलेगी जहाँ पर गाय और बैलों का, सांडों का, रात को आप सड़क पर निकलोगे गाड़ी निकलने की जगह नहीं रहती, गाय घूमती रहती है सब जगह। गायों के लिए ऐसी व्यवस्था इस बूंदी में होनी चाहिए कि कोई पशु हमारे, मैं तो कहता हूँ कोई पशु हमारा घूमे ही नहीं इस बूंदी की गली। और सबके लिए इतनी जगह है हमारे पास, आज सरकार के पास मेरे ख्याल में खाली इच्छा शक्ति की कमी है, बाकी जमीन की कोई कमी नहीं है, खूब जमीन है, खूब पैसा है। और मेरे को तो आज पता लगा है और गोपाल भाई साहब ने मेरे को आज यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं आपको बहुत महंगे से धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मेरी तरफ से जहाँ पर भी जाना होगा के पास भी मंत्री, मुख्यमंत्री, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। हम इस मुद्दे को लेकर के गारीवाल जी से भी मिलेंगे। जब जमीन का अलॉटमेंट हो चुका है, कब्जा छुड़ा लिया गया है, तो मेरे को नहीं लगता कि काम चालू करने में कोई देर होनी चाहिए। जितनी जल्दी हो ये गौशाला का, नंदीशाला का निर्माण चालू होना चाहिए। क्या लगता है सर इसमें ये ढिलाई हो रही है जो कांग्रेस सरकार में नगर परिषद का बोर्ड भी कांग्रेस का है, क्या वजह है इसमें? यह तो आपसी राजनीति चल रही है इस वजह से इतनी ढिलाई हो रही है? मेरे को ये लगता है कि आपसी खींचतान की वजह से तो हो ही जाता है, लेकिन कुछ दिनों से मेरे को ऐसा लगता है कि
के चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं और सब कुछ है, इसलिए मेरे को लगता है हमको खुद को भी जागरूक होकर के और जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर भी जाना पड़े तो अपन चलेंगे और धारीवाल जी के यहाँ पर भी हम जाएं, लेकिन मैं इस बूंदी की जनता से भी आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम लोग को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। हम जो दूध निकाल के गाय को वापस आवारा पशु की तरह छोड़ देते हैं, वो छोड़ना बंद करें। इनको हमारे को ऐसे जरूरत है कि जिसका पशु हो वो अपने घर पे रखे। एक एक पशु मेरे ख्याल में हर घर को घर पे अलाउड है रखने के लिए, रख सकते हैं हम, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जहाँ तक सरकार का सवाल है, कई बार डिले हो जाता है, मैं उसको दोष नहीं देता। मैं तो चाहता हूँ कि हम लोग सब मिलकर के धारीवाल से मिलें, नगर परिषद आयुक्त से भी मिलें, नगर परिषद चेयरमैन से भी मिलें और अगर जरूरत पड़े तो मुख्यमंत्री से मिलें और इस काम को जल्दी जल्दी चालू कराएं। आपको नहीं लगता है कि ये जो धरना लंबा किस्सा जा रहा है इसमें आगामी चुनावों के फर्क पड़ेगा? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि हर एक वोट से फर्क पड़ता है। हर एक जने की, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर किसी की इंसान की सुननी चाहिए, सरकारों को भी सुननी चाहिए। हम जब सरकार में आते हैं तो जनता हमसे अपेक्षा करती है कि हम उनके लिए काम करें, और मेरी तरफ से तो मैं तो ये चाहूंगा कि हम अगर सरकार को जगाने का भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज से, पिछली सरकार में जब वो मुख्यमंत्री थे, जब मेरे को खुद को उन्होंने बोला था कि बेटा कहीं पर अगर तुमको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो ये मत सोचना कांग्रेस सरकार और मेरे को नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने हमेशा हमको ये प्रोत्साहन दिया कि हमेशा बोलो, अगर गलत हो रहा हो तो मेरे पास उस चीज़ को लेकर के आओ, मैं तुम्हारा समाधान करूंगा। मैं आश्वस्त हूँ इस बात से कि अगर मैं इस चीज़ को आगे लेकर के जाऊंगा मुख्यमंत्री जी के पास में, जल्दी से जल्दी ये कार्य हमारा। मुख्यमंत्री की जन कल्याणकारी योजना में नंदीशाला भी शामिल है, जमीन अलॉटमेंट हो गई है, नगर परिषद में कांग्रेस की सरकार है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं कांग्रेस का नुकसान कर रही है नंदीशाला निर्माण नहीं कराकर। अगर ये धरना लंबा चलता है तो बूंदी की तीनों विधानसभा सीटों पर प्रभाव पड़ेगा, कांग्रेस को नुकसान होने जा सकता है। आज इस धरने पे आए हैं, मैं तो आश्वासन ये देके जा सकता हूँ कि इस धरने को जल्दी से जल्दी खत्म करवाएंगे, इस निर्माण को जल्दी जल्दी चालू करेंगे। आपकी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा जल्दी निर्माण करेंगे। आपका नाम और दायित्व बता दो। मेरा नाम कमलेश शर्मा है, मैं पहले ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मेंबर रह चुका हूं और पूर्व में राजस्थान कांग्रेस कमेटी में सचिव रहे। सबसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि ये आंदोलन बढ़ेगा और प्रशासन को ये बात, ये धरना तभी समाप्त होगा तब इसकी एक कमेटी गठित होकर जब वहाँ निर्माण कार्य शुरू होगा तभी ये धरना समाप्त होगा। स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि हम कंधे से कंधा मिलाकर महेश्वरी के साथ, भोपाल के वासन चर्चा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष में शामिल होंगे। जय गोपाल। आपका नाम और पता? मैं मसिंगाड़ा श्री राजपूत कंधी सेना जिला अध्यक्ष। हम शहर के आम नागरिकों की भांति और जो गौ माता की जो समस्या है, इसके लिए आम नागरिकों की तरफ से और हमारे बाल विकास परिषद की संस्था की तरफ से श्रीमान गोपाल जी को इस सेवा संस्था के लिए निमंत्रित करते हैं और आशा करते हैं कि नगर परिषद और प्रशासन इस समस्या को निराकरण करे और इससे आम जनता को राहत मिलेगी। आज सारी गायें हमारे सड़कों पर घूमती रहती है जिससे गायें भी प्रभावित होती है और आम जनता का भी इसमें एक्सीडेंट होने का चांस होता है। इससे दोनों को सुरक्षा की भावना मिलेगी और हमारी भी समस्या का समाधान। आपका नाम? मैं सौरभ अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष।